करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत। यह खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 49 में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेव पार्टी में शामिल थे। राजीव, वाकई बहुत बड़ी खबर है जो पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, उसमें अहम खुलासा हुआ है। सबसे अहम खबर यह कि इसमें आरोपियों में बिग बॉस विनर एल्विश यादव का भी नाम है। आरोप है कि रेव पार्टी में वो सांपों की सप्लाई करते थे और पुलिस ने एल्विश यादव को भी एफआईआर में आरोपी बनाया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 कोबरा समेत 9 सांप बरामद किए हैं, जिसमें एक अजगर भी शामिल है और एक एनजीओ ने स्टिंग ऑपरेशन करके नोएडा पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। और अब यह एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां एल्विश यादव पर भी एफआईआर दर्ज। ये दो तस्वीरें और एल्विश यादव अभी हाल फिलहाल जो बिग बॉस संपन्न हुआ था उसके विजेता रहे हैं। इसमें कोई तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा, लेकिन जो आरोप अब लग रहे हैं बहुत गंभीर आरोप हैं। गैर जमानती धाराओं में एफआईआर हुई है। 20 ml सांप का जहर भी यहां बरामद किया गया है। 5 कोबरा बरामद किए, कुल 9 सांप बरामद किए गए, जिसमें एक अजगर भी शामिल है। और बेहद गंभीर आरोप एल्विश यादव पर कि वो सांपों की सप्लाई करते थे। बिल्कुल चर्चा में थे और फिर से चर्चा में आ गए, लेकिन तब चर्चा में थे किसी अच्छे कार्य के लिए और अब ये बुरा कार्य। किस तरह से वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन और अब ये नतीजा।